सुल्तानपुर से बड़ी खबर, जहां विजय नारायण सिंह के हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ के दौरान आरोपी अजय सिंह के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात 2 बजे एनकाउंटर हुआ है। आरोपी से अवैध पिस्टल और बाइक बरामद हुई है। रविवार देर शाम हुई विजय नारायण सिंह की हत्या के बाद मुठभेड़ में अब हत्या आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। वारदात में अनुज शर्मा नाम का युवक जो पुलिस की हत्या चढ़ा है, गोली इसके लगी। अस्पताल में उपचार के बाद अब जेल में डाला गया है। तस्वीरों के साथ आपको ये बड़ा अपडेट दिखा रहे हैं, बड़ा अपडेट बता रहे हैं। बीजेपी नेता के भतीजे की हत्या कर दी गई थी घनश्याम तिवारी हत्याकांड में। अब देखिए, वो शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है, वो हत्या आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है हथियार के साथ, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। बहरहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पुलिस के हत्या चढ़ा है सुल्तानपुर में हत्या का आरोपी घनश्याम तिवारी हत्याकांड का हत्यारोपी। भागने की फिराक में पुलिस ने इसके पैर में गोली मारी है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे इस खबर पर। ऋषभ मणि, पुलिस ने बहुत कम समय में, कुछ ही घंटे कहेंगे, कि इस हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक बार आप शुरू से बताइए पूरा मामला, ये पूरी खबर, और अब इस पूरे मैटर पर पुलिस क्या बोल रही है। देखिए, पूरा मामला सुल्तानपुर का है। कोतवाली इलाके में विजय नारायण सिंह की एक पार्टी के दौरान हत्या हुई थी और आरोप लगा था अंबेडकर सिंह निवासी अजय सिंह के ऊपर। पूरा मामला उसी दिन खुल गया था, लिहाजा पुलिस की कई टीमें आरोपी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। कल देर रात भी जब पुलिस को सूचना मिली थी कि अजय सिंह कहीं भागने वाला है लखनऊ की ओर अपनी बाइक से, लिहाजा पुलिस ने घेराबंदी की थी। रात 2 बजे करीब ये मुठभेड़ हुई है, जब पुलिस टीम से घिरा हुआ देखकर अजय सिंह ने पुलिस टीम के ऊपर अपने अवैध पिस्टल से फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग जब पुलिस की ओर से की गई है तो उसमें अजय सिंह के पैर में गोली लगी है। उसका इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके पास से एक बाइक और एक अवैध पिस्टल बरामद हुई है। एक सनसनीखेज मामला था जिसकी हर जगह चर्चा होने लगी थी, लेकिन पुलिस ने कम समय में ही इस आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए।